दिमाग का दही हो गया यार, पूछो मत, इतनी प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली हुआ ये, ये मिस्टेक किसकी है मेरे को ये समझ नहीं आता। अब जैसे ये गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई अपना बैकपैक तैयार हो चुका है, ये देख लो, भारी भरकम बैग अपन ने ले लिया है और टाइम आ गया है ये होटल को चेकआउट करने के लिए। सो 3 दिन में इस होटल में रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बढ़िया होटल है, सही रेट में आपको अगोड़ा में मिल जाएगा, मेरे लिंक से करना तो और सस्ता पड़ जाएगा। और भाई अभी क्या है कि अभी मैं जा रहा हूँ नई होटल में, जहाँ 2 दिन के लिए मैंने बुक कर दिया है। अब वो होटल पे जाके ही बताते हैं वो होटल कैसा है, क्या है, कितने में किया है, बहुत सस्ता किया है मैंने वैसे तो। चलो बस चलते हैं अभी और आज फिर एक्सप्लोर करते हैं। मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, उसके साथ भाई नेपाल को आज एक्सप्लोर करते हैं। ओके तो चलो चलते हैं यार। ब्रेकफास्ट वगैरह भी अच्छा देते हैं यार ये, तो ब्रेकफास्ट कर लो तो आप भाई, लंच करने की वैसे मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भूख लगती है 4 बजे 5 बजे भूख लगती है। और खाना पीना यार यहाँ पर सस्ता ही है, आपने देखा तो, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ थोड़ा महंगा है, लेकिन आप नॉर्मली स्ट्रीट फूड वहाँ खाओगे तो यार भाई इंडिया के प्राइस में आपको मिल जाएगा। चलो भाई फाइनली हम आ गए हैं और हम करते हैं अभी चेकआउट। ये रहे हमारे भैया। हेलो हेलो भाई। तो यार अभी बैकपैकर वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है, देख लो आप बैग कितना भारी लग रहा है, जैसे अंग्रेज लोग घूमते हैं बस वैसा ही अभी हो रहा है आपके साथ। करीब 650 मीटर पर है मेरा होटल, तो मैं सोच रहा हूँ बस पैदल ही जाऊँ, वॉकिंग पर सही रहेगा। ये वही वाली रोड है जो कल थमेल है, थमेल वाली आगे आएगी रोड, बस वो सामने चौराहे के बाद थमेल का नाइट लाइफ वाली रोड आ जाएगी। तो दिन में भाई टोटली चेंज होती है, लेकिन रात को टोटली चेंज हो जाती है। यहाँ पे कंप्लीट रात को पुलिस वगैरह का होता है, पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह, और ये वही रोड है भाई कल रात वाली। और अभी ना सब मेरे को देख रहे हैं कि भाई ये इतना दुबला पतला इंसान इतना सारा वज़न लेके कैसे घूम रहा है। और इस बार मेरे पास वज़न जो है वो है करीब 20 किलो, 13 किलो से ज़्यादा अभी तक मैंने नहीं रखा है कभी भी। और ये वज़न इतना सारा क्यों बढ़ा, क्यों देखो इसमें एक स्लीपिंग बैग है, उसके अलावा मेरा जो ओरिजिनल बैग था वो भी है भाई, चादर है भाई, सब कुछ है यार इसके अंदर, ठंड के हिसाब से भी थोड़ा बहुत कुछ जैकेट वगैरह वो भी है, तो यार इस वजह से बैग थोड़ा भारी हो गया है। पर कोई नहीं यार, यही तो असली बैग पैकिंग का चैलेंज है, देखते हैं भाई क्या होता है कैसा होता है। 220 cc का? CC का? अच्छा, जैसे ये 220 cc है, इसका 1500 रुपये। हाँ, और दूसरा नॉर्मल जो होता है, और ये 150 है ना? हाँ 150, इसका 1000 रुपया। हाँ। और जैसे ये स्कूटर वगैरह 700 रुपया है। अच्छा, इसका 700 रुपया। 24 आवर्स? नहीं 24 आवर्स, तो सुबह 8:30 8:30, हाँ। शाम को सात बजे तक ही है। हाँ। जल्दी हो गया ना शाम को, तो 7:30 बजे तक 7:30 जल्दी हो गया, क्योंकि अगर कोई अगर चलो हिली एरिया में गया है जैसे वहाँ पे, तो आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है वापस, इसीलिए 24 घंटे वाला हिसाब नहीं होता अपने। 24 वाले में तो नहीं होता है ना। नहीं होता है यहाँ पे, कहीं भी नहीं होता क्या? कहीं भी नहीं होता है। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक। ओके। और क्या लेता है, फॉर्मेलिटीज वगैरह क्या? फॉर्मेलिटीज तो आपको होटल वाला गारंटी बस्ता पड़ता है। अच्छा, होटल का गारंटी होटल वाले से, ओनर होता है ना? हाँ, वो गारंटी देता है। तो भाई मेरे यहाँ पे रहता है ये, इसीलिए ये आईडी कार्ड वगैरह से मिल जाएगा। ये पासपोर्ट और डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट कितना? डिपॉजिट आप स्कूटर लेना पड़ता है 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ता है। अच्छा, स्कूटर के लिए। हाँ, और अगर पासपोर्ट दे तो खाली पासपोर्ट से नहीं होगा? पासपोर्ट से नहीं होता है ना। अच्छा, ये हमारे बाइक को भी गारंटी लेना पड़ता है ना। तो 1 लाख रुपए तो कौन देगा यार, कोई आता ही नहीं है, कोई इतना तो होता ही नहीं है किसी के पास। ऐसे तो होटल का, इसीलिए होटल वाले से ही होता है ना। चलिए सही है। ओके भैया, थैंक यू। यार ये सीन तो मेरे को बड़ा ही अजीब लगा, बोलते हैं कि होटल से ही कर सकते हो आप, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे जाने लेने जाओगे तो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट होगा आपका, तो यार ये तो कौन लेगा 1 लाख रुपए दे के, कौन लेगा। और भाई ये लोड्स ऑफ द ड्रिंक्स अभी खाली पड़ा है, शाम को यहाँ जन्नत है, होटल से ही ले लीजिए, फिर इनसे ले लीजिए मत, होटल वाले आपके लिए अरेंज करा देते हैं। और अभी मेरा ये होटल आ चुका है मेरे हिसाब से, ये है भाई अपना होटल थमेल। रूम मेरे को अच्छी प्राइस में मिल गया था, लास्ट रूम था, तो मैंने भाई वो बुक कर दिया। तो एक बार चेक इन कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कितने में लिया है। होटल वैसे बहुत ही अच्छा ही है। हेलो, आई हैव बुकिंग।
तो यार मैं यहाँ पे आया था 12:30 बजे, कितने बजे, 12 बजे मैं आया था यहाँ पे, है ना, 12 बजे, और अभी बज रही है भाई 2:30 बज रहे हैं अभी। दिमाग का दही हो गया यार, पूछो मत, इतनी प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली हुआ ये कि जो बुकिंग की अगोड़ा ने वो यहाँ के लिए की, तो यहाँ मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार कन्फर्मेशन, इनके पास कन्फर्मेशन आया नहीं और मेरे यहाँ कन्फर्म है, तो मैंने अगोड़ा के कॉन्टैक्ट में बात किया, मतलब कस्टमर केयर में, तो वहाँ बात करके पता चला नहीं सर आपका तो कन्फर्म है, ये है वो है, बहुत देर भाई मेरे को, मतलब 2.5 घंटे से मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, और मैंने कहा आज नहीं तो ये पता करके ही रहना है मुझे, मतलब या तो ऐसे नहीं चलता ना यार ये, तो आप मतलब अगोड़ा बुक कर देते हैं अपने लिए और उसके बाद हम जाते हैं इतनी मुश्किल से और वहाँ पे अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसा तो चलना नहीं। तो मैंने कहा आज इसकी तय तक तो जाना ही है मुझे, तो भाई यहीं रह के काफ़ी देर कॉन्टैक्ट किया, ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, फिर भाई लास्ट में जाके ना अब पता, मतलब उन्होंने, मैंने उनको नंबर भी दिया अपना, मैंने कहा आप ऐसा है तो मेरा नंबर लो और आप मुझे कांटेक्ट करो, होटल वाले को बोलो कांटेक्ट करें, क्यों ये तो मना कर रहे हैं ये तो, कि हमारे पास तो बुकिंग है नहीं, हम तो इतना सस्ता बुकिंग देते भी नहीं है, क्योंकि जो बुक हुआ है भाई वो 800 नेपाली रुपीज़ में हुआ है 2 नाइट के लिए, वो भी रूम बुक हुआ है, तो ऑब्वियस है ये बोलते हैं हमारे यहाँ तो भैया $30 है ना, $30-$40, हाँ $30-$40 का इनके यहाँ मिनिमम रूम होता है, तो ये अब कन्फ्यूजिंग वाला था। तो मैंने कहा क्या पता भाई, अपने को तो चलो अगोड़ा ने दिया है डील, देती भी है डील, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे अब ईमेल आया ये थमेल हॉस्टल वालों का कि सर आप थमेल होटल में हैं या थमेल हॉस्टल में हैं, कि हम तो थमेल हॉस्टल वाले हैं और आपकी बुकिंग यहाँ पर कंफर्म है, तो ये गड़बड़ हो गई। तो अब मैंने पता किया, फिर मैंने बहुत भाई गालियाँ बोली मैंने अगोड़ा वालों को, क्योंकि 2-2.5 घंटे उन्होंने ये ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना तुमको, तुमने फ़ोटो तो यहाँ की डाल रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर तुमने यहाँ का डाल रखा है, तो लोग देखेंगे होटल वगैरह अच्छा लगे तो बुक करेंगे ना, और उसके बाद यहाँ आते तो यहाँ उनको मिलता नहीं है ये सब, और बुकिंग तुमने भेज रहे हो साले ये थमेल हॉस्टल में बुकिंग भेज रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा। तो बहुत भाई दिमाग ख़राब हो गया यार सच में। अभी मैं अब जा रहा हूँ अब यहाँ से, और वापस अब जा रहा हूँ थमेल हॉस्टल, और फिर वहाँ जाके उनको भी बोलता हूँ भाई यार ये फिक्स करो या तो जो भी है। पर यार ऑल ओवर मानो तो यार पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया, और एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है आज का अगोड़ा से, ये पहली बार हुआ कि अगोड़ा से मेरा इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा है, और उसके लिए मैंने जम के गालियाँ बकी है अगोड़ा को, ये समझ लो आप। तो फिर ये पहली बार है या और भी अपने होता है ना, अपने आता रहता है बुकिंग आपके पास, यार बहुत गलत है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनको। तो आपने तो अगोड़ा से कांटेक्ट तो खत्म कर दिया ना आपने, कितना टाइम हो गया आपको? वो 1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल से आप बुकिंग ले ही नहीं रहे हो और लोग फिर भी आ रहे हैं। अरे यार ये तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो गई आपके लिए भी और लोगों के लिए भी, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है यार। हालांकि भैया ने काफी सपोर्ट वपोर्ट किया अपने को, पानी वानी पिलाया भाई, तो अभी चलते हैं, चार्ज वार्ज भी हो रहा है, फोन भी पूरा डाउन हो गया था, और ये होटल वाले भी बहुत परेशान है क्योंकि अगोड़ा ये बुकिंग ले लेता है और उसके बाद ये बेचारों के पास कंफर्मेशन इनको मिलता भी नहीं है, क्योंकि ये इतने सस्ते में डील देते ही नहीं है, हॉस्टल इनके नाम पे हॉस्टल की डील हो रही है। तो भाई ये जो कांड चल रहा है ना, ये कांड किसने किया, क्या किया है, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये है थमेल हॉस्टल, हॉस्टल है भाई बिल्कुल नॉर्मल हॉस्टल है, और ये लोग अब चीटिंग कर रहे हैं क्या है अभी पता करते हैं सारा कुछ। हेलो, बुकिंग है, बुकिंग क्या नाम है? पंकज भाटी। व्हाट यू वांट? बुकिंग कॉल मी ऑलवेज। अरे भाई साहब ये पर सीन क्या चल रहा है, मेरे को तो ये सीन भी नहीं समझ में आ रहा है। उसमें जब मैंने बुक कराया उसमें थमेल होटल, हाँ वही तो, ये इनका बुक हुआ थमेल होटल के लिए, ठीक है, और वहां पे मैं गया तो वो बोले हमारे पास कोई थैंक यू सर, हमारे पास कोई कन्फर्मेशन हुआ ही नहीं, ये बोले हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं है। फिर मैंने उनको कॉल किया, ये क्या, वो बोले हमने कंफर्म किया है, देखो वापस मैसेज भी किया है ये वो, और ये बोले हमारे पास तो कुछ आया भी नहीं। इतनी देर से 2 घंटे से ना, 2-2.5 घंटे से वो उसी में लगा हुआ हूँ मैं, फोन करेगा लोग शायद, पर भाई करेंगे कैसे, देखो नंबर जो दे रखा है वो इनका नंबर दे रखा है थमेल होटल का। टेलीफोन नंबर इनका, रूम पे हमरे, और जो फोटोज वगैरह है रूम की फोटोज वगैरह सारी इनकी, इनके होटल की, होटल ठीक है, और बुकिंग कंफर्मेशन वो भेज रहे हैं आपको, वो भेज रहे हैं आपको बुकिंग कंफर्मेशन। ये मिस्टेक किसकी है मेरे को ये समझ नहीं आता। अब जैसे ये इनके पास, मैं अकेला नहीं हूँ भाई, ये बोल रहे हैं मेरे पास 1-1.5 साल से लोग आ रहे हैं और हमारे पास कंफर्मेशन है ही नहीं, हमारे पास तो क्यों हम इतना सस्ता देते ही नहीं है। धेरै भएको छ, तपाईँहरूले कहिले पनि इन्कार गर्नुहुन्न, यो हामीले गल्ती गरेको। तब यही कह रहे हैं कि यार हम तो बुकिंग करते भी नहीं है इतना सस्ता, तो ये कैसे हो रहा है? बुकिंग लाई नै फोन गरेर भन्नु, अगोडालाई मेल गर्नु, त अगोडाले चाहिँ समस्या बनाए जस्तो हो क्या। अगोडा
ये अगोड़ा का मिस्टेक हो गया तो सालों ने मिक्स कर दिया होगा। booking.com का तो सीन भी नहीं है यार, booking.com तो है ना आपके पास, नहीं है हमारे पास अगोड़ा भी नहीं है, नहीं है। तो फिर साले ये अगोड़ा मेरे को बुकिंग कैसे दिया? अच्छा थमेल होस्टल, हाँ हाँ अब मेरे को समझ आ गया, ये इनका भी मिस्टेक नहीं, क्यों इनका भी अगोड़ा में नहीं है। अब देखो सीन ये हुआ अंकल, अगोड़ा में क्या अंकल बुकिंग, ये नंबर है क्या आपका? ये हमारा नंबर है नहीं, नहीं है ना ये वाला नंबर, कुछ नहीं ये उसमें दे रखा है उसमें, ये वाला नंबर उसमें दे रखा है। बात सुनो सीन, अब मेरे को पूरा सीन क्लियर हो गया है। आसाला भले मेरा टाइम वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ भाई, ढाई घंटे मेरे खराब हो गए, लेकिन ये पूरा सीन क्लियर हो गया और आपका भी सीन क्लियर हो चुका है। ये इनके मालिक है थमेल होटल के और ये मालिक है थमेल हॉस्टल के, ठीक है ना। तो हुआ क्या अंकल, देखो आपका जो थमेल होटल का है ना, आपने पहले तो कभी किया होगा ना अगोड़ा से? किया हुआ था ना, तो उन्होंने आगे आपने बंद कर दिया ना, तो आपका बंद हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने पोर्टल पे बंद नहीं किया अभी तक, समझ रहे हो आप, उन्होंने अभी तक अपने पोर्टल पे बंद नहीं किया है। तो वो कंफर्मेशन जरूर देते हैं, लेकिन वो आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको कंफर्मेशन आता ही नहीं है, या फिर आपको कंफर्मेशन आता है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्यों? कि वो सस्ते में देता है वो, तो आप ऐसा करते हो ना कि वो आपको कंफर्मेशन दे रहा है, कंफर्मेशन तो देता है ना वो आपको, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। कंफर्मेशन नहीं देता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, पहले शुरू शुरू में दिया होगा ना कंफर्मेशन, पहले दिया, क्यों सस्ता होता था तो आप उसको कंफर्म ही नहीं करते थे कि यार इतना सस्ता तो हम कैसे दे दे, समस्या भैया। तो वो आप उस चक्कर में आप भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, booking.com से आपका बुक करके दे दिया कि चलो यार अब ये मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई तो उसके चक्कर में आपको ये हम booking.com का आपका बुकिंग दे देते हैं, लेकिन दिया कहाँ का? थमेल होस्टल का, होटल का उधर का नहीं दिया मेरे को। तो ये सीन हो गया, आपको अब एक ही सीन करना चाहिए, कैसे भी पीछे पड़ के आप ये बंद करवाओ अपना, आपका जो होटल है ना उसमें लिस्टेड हो रखा है वो बंद करवाओ आप, या तो की बुकिंग लेना अगोड़ा में, ऐसे तो देखो दिक्कत होती है, फिर होटल का भी नाम खराब होता है क्या मतलब, तो आप ये चीज करो। चार पांच दिन में भाई सीन पता है क्या हो रहा है, होटल नेपाली वाला भी यही बोल रहे थे कि अगोड़ा वालों से हमको डील करना ही नहीं है यार, इतना सस्ता प्राइस दे देते हैं तो हम नहीं करना हमको, और इनका भी यही सीन था। तो भाई होटल वाले ये करते हैं, कंफर्मेशन मिल जाता होगा इनको, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगोड़ा वाला क्या है कि उसका जो कस्टमर सर्विस है वो इनको मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, इन पे इनको रिप्लाई नहीं करता है, ये कितना ई मेल करते हैं इनको रिप्लाई नहीं किया अभी तक, तो ये सीन हो रहा है। तो अब ये एक्सेप्ट करते नहीं है, ये भी खुंदक खाए हुए, अगोड़ा की गलती है कि इनकी सुननी चाहिए बात और इनकी होटल को लिस्टेड बंद कर देना चाहिए यार। मेरे को तो मेरा तो लग गए ना यार, मेरा तो नहीं तो ये थमेल होस्टल में कर देता ना, सस्ता ही है साला, $2 का होटल है और मेरे को तो ये महंगा पड़ा जबकि, और तो देखो कितने में बुक किया है, देखता हूँ मैं, सस्ता ही होगा, पे एट होटल था मेरा वो तो 400 नेपाली रुपीस का था, ये तो 400 से भी कम होगा, ये booking.com से किया है भाई। यार सच में यार दिमाग खराब हो गया है, हालांकि ये मेरे ब्लॉग का पार्ट नहीं है, बट अब क्या करें, इतनी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं, कि भाई अब ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर आपको, तो आप भाई प्लीज़ ध्यान रखें, या तो अगर बुकिंग होती है ऐसा कोई सीन होता है तो कुछ नहीं कर सकते यार उसमें तो। हाँ भैया अच्छा ये रूम है, बस वैसा बेड नहीं है उस तरह का, अब ये सारा ले ना इधर बैग रखो। हाँ ओके, तो ये तो चोट हो गई यार, ये तो ये रूम मिला है देख लो क्या है, कुछ नहीं है, भले पूरा रूम मेरा है लेकिन करे क्या, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ तो उसमें रूम बुक किया है ना, तो इन्होंने भी ये रूम ही दिया है और अभी ये वाला दिया है, बोल रहे हैं कि कल आपको बड़े बेड वाला आपको कल रूम दे देंगे, कि आज खाली नहीं है। वाह भाई वाह, ये पहली बार हुआ मेरे साथ इस तरह का तो एक्सपीरियंस, चलो कोई नहीं यार होते रहते हैं ये तो। अभी बस ठीक है यार, थोड़ा सा आ गया, मेरा फ्रेंड भी आने वाला है, उसके साथ जाना है, फिर वाट लग गई साली। तो भाई ये रूम अब मेरे को मिला है करीब 250 रुपये में एक नाइट के लिए, और दो नाइट मतलब 500 रुपये मेरे लगे हैं, इंडियन रुपीज़ 500, नेपाली रुपीज़ 800 में मेरे को ये दो नाइट के लिए पड़ गया है, और रूम है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, ब्रेकफास्ट मैं ला के बना सकता हूँ कुछ भी, बस ये है। तो छोड़ो बस ठीक है, काम चलाते हैं भाई, दो दिन निकालते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं कोई और ढंग का कुछ करते हैं। तो ये है समीर भाई और ये हमारे निरंजन भाई, और अभी कहाँ जा रहे हैं भाई अपन?